Hello students, welcome to Student Cabaret. This is Arshikhan and another video, another episode. In this video, I'm going to tell you the list of top B schools agar aap business analytics dekh rahe ho yaar. Ye thodi new specialization hai but obviously kam colleges offer kar rahe hain. बट ये क्वेश्चन होता ही होता है कि यू नो इनमें से कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस आईबीएम के थ्रू ऑफर कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स, कई कॉलेजेस सिर्फ ऑफर कर रहे हैं बट प्लेसमेंट्स उतना अच्छा नहीं है. तो यार इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द कॉलेजेस व्हाट यू कैन हैव अ लुक इफ यू आर प्लानिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स. सो वी विल गो टू द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, सो वी विल गो टू आकांक्षा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एनआईटी त्रिची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे कोर्स की फीस अप्रॉक्सिमेटली 2.5 लाख रुपीस है. एनआईआरएफ ने 17 नंबर पे रैंक किया है. बिजनेस टुडे ने 47 नंबर पे इसे रैंक किया है. ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई, जहाँ कोर्स की फीस अप्रॉक्सिमेटली 19.2 लाख रुपीस है. एनआईआरएफ ने इसे 18 नंबर पे रैंक किया है. बिजनेस टुडे ने 15 नंबर पे इसे रैंक किया है. NMIMS स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुंबई, जहाँ कोर्स की फीस अप्रॉक्सिमेटली 19.7 लाख रुपीस है. NIRF ने इसे 20 नंबर पे रैंक किया है. बिजनेस टुडे ने 11th एंड ईडी टाइम्स ने 6 नंबर पे इसे रैंक किया है. KIIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कोर्स की फीस अप्रॉक्सिमेटली 13.6 लाख रुपीस है, इसे NIRF ने 30th नंबर पे रैंक किया है. बिजनेस टुडे ने 55 नंबर पे, टाइम्स के अकॉर्डिंग 36 नंबर पे रैंक है. द वीक के हिसाब से 34th नंबर पे रैंक है. लीबा यानी लयोला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहां कोर्स की फीस अप्रॉक्सिमेटली 15.2 लाख रुपीस है. सैलरी पैकेज उनका हाईएस्ट 9.5 लाख रुपीस तक गया है. NIRF ने इसे 36 नंबर पे रैंक किया है. बिजनेस टुडे ने 49 पे, द वीक के हिसाब से 32 एंड ईडी टाइम्स के हिसाब से 33 नंबर पे रैंक है. IIMT गाजियाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, जहां कोर्स की फीस 17.5 लाख रुपीस है. NIRF ने 41 नंबर पे रैंक किया है. बिजनेस टुडे ने इसे 12 नंबर पे रैंक किया है. टाइम्स के अकॉर्डिंग 4th, द वीक के हिसाब से 15 एंड ईडी टाइम्स के अकॉर्डिंग 7th नंबर पे रैंक करता है. VIT बिजनेस स्कूल वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे कोर्स की फीस अप्रॉक्सिमेटली 7 लाख रुपीस है. NIRF ने इसे 46 नंबर पे रैंक किया है. वहीं बिजनेस टुडे के अकॉर्डिंग ये 115 नंबर पे रैंक करता है. IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेसेस KREA यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कोर्स की फीस अप्रॉक्सिमेटली 13.2 लाख रुपीस है. सैलरी पैकेज हाईएस्ट इनका 8.5 लाख रुपीस गया है. एंड इनको NIRF ने 47 नंबर पे रैंक किया है. LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहाँ कोर्स की फीस जो है अप्रॉक्सिमेटली 3.5 लाख रुपीस है. NIRF ने इसे 52 नंबर पे रैंक किया है. द वीक के हिसाब से ये 68 नंबर पे रैंक है. SIMSR मुंबई KG सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ कोर्स की जो फीस है अप्रॉक्सिमेटली 14.9 लाख रुपीस है. NIRF ने इसे 54 नंबर पे रैंक किया है. बिजनेस टुडे ने 26 टाइम के अकॉर्डिंग 5th नंबर पे है. NET टाइम्स ने इसे 30th नंबर पे रैंक किया है. IIMT नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जहां कोर्स की फीस 14 लाख रुपीस है अप्रॉक्सिमेटली. NIRF ने 70 नंबर पे रैंक किया है. बिजनेस टुडे ने 59th एंड द वीक के हिसाब से 35 नंबर पे रैंक है. इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज ISBS, जहां पे कोर्स की फीस जो है वो 4.1 लाख रुपीस है अप्रॉक्सिमेटली. सैलरी पैकेज एवरेज इनका 4.2 लाख रुपीस गया है. NIRF ने इसे 76 से 100 का रैंकिंग बैंड दिया है. पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जहां पे कोर्स की फीस अप्रॉक्सिमेटली 7.5 लाख रुपीस है. NIRF ने इसे 76 से 100 का रैंकिंग बैंड दिया है. बिजनेस टुडे के अकॉर्डिंग 74 नंबर पे रैंक है. टाइम्स के अकॉर्डिंग 31 पे एंड द वीक के हिसाब से 76 नंबर पे रैंक है. टाइगर राजर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे कोर्स की फीस अप्रॉक्सिमेटली 8.2 लाख रुपीस है. NIRF ने इसे भी 76 से 100 का रैंकिंग बैंड दिया है. विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जहां पे कोर्स की फीस 6.7 लाख रुपीस है अप्रॉक्सिमेटली. सैलरी पैकेज हाईएस्ट इनका 7 लाख रुपीस गया है. NIRF ने इसे 76 से 100 का रैंकिंग बैंड दिया है. बिजनेस टुडे ने वहीं इसे 236 नंबर पे रैंक किया है. टाइम्स के अकॉर्डिंग ये 74 नंबर पे रैंक है. सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. आई गेस यू नो आपको कोई कॉलेज क्लिक किया होगा बट आपके माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि क्या वो मेरे लिए सही है, क्या वो मेरे प्रोफाइल के हिसाब से सही है. तो यार अगर ये कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है. उसकी जो भी कंफ्यूजन है आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में या जो नंबर दिया है उस पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो. एंड अगेन वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड कि यार लाइक बहुत सारी स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि उनको कॉलेजेस से ऑफर लेटर्स आ जाते हैं और कुछ कॉलेजेस में यू नो वो बहुत इंस्टेंटली बोलते हैं कि यू जस्ट नीड टू पे द फीस और हम सोचते हैं कि यार हमारी वो सीट चली जाएगी. तो ऐसा कुछ नहीं करना है. आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना है, एनालाइज करना है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, देन ही उसका डिसीजन बनाना है. बिकॉज ये लास्ट इन्वेस्टमेंट है. आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे नहीं सोचा, दैट इज़ द रीज़न आप कंफ्यूज हो. आपने अपने टेंथ के टाइम पे नहीं सोचा, दैट इज़ द रीज़न आप कंफ्यूज हो. बट इस बार कंफ्यूज नहीं होना, इस बार वी हैव टू मेक अ राइट डिसीजन. सो होपफुली यू नो वो राइट डिसीजन लेने में हम आपकी हेल्प कर रहे हो. अगर आप किसी और पे वीडियोज जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.
by commenting and share the video, and please stay in touch by subscribing and pressing the bell notification icon, so that you know whatever the videos I come up, you will get updated, and also with the live session which I come with every alternate day. So thank you so much for watching for this video, and again yaar aapki profile ke hisab se colleges vary karenge, so please thoda sa analysis karke students se baat karke decision loge to aap ek right decision le paoge.